श्री कृष्णा फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैंने जो दिन की शुरुआत की है वो एक हेल्थी ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया है, जो कि है पोहा। तो पोहा को मैंने स्ट्रेनर में अच्छे से वॉश कर लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। पोहा को स्ट्रेनर में धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा पोहा तभी ज़्यादा खिलखिला खिलखिला बनता है। अब इसमें मैंने ये तेल ले लिया, तेल में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, जो कि अच्छे गर्म होने के बाद इसमें मस्टर्ड सीड डाल दिया है, जिससे वो अच्छे से चटक जाए। तब इसमें आलू डाल दिए। आलू को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो इस टाइम पे हमारी जो फ्लेम होगी वो हाई होगी। हाई फ्लेम पे जो है आलू ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, और साइज़ अगर छोटा हो तो उसके कच्चे रहने के भी चांसेस नहीं रहते। ये देखिए हमारे आलू इस कलर चेंज हो चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे, क्योंकि पोहे में मूंगफली का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और मूंगफली डालने के बाद भी 2-3 मिनट तक इसको चलाएंगे, जब तक हमारी ये मूंगफली है उसका भी कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए मूंगफली का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी हम मटर डाल देंगे। मटर डालने के बाद भी हम इसको कम से कम 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से फ्राई करेंगे, जिससे मटर भी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। अब इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता पोहे के टेस्ट को और बढ़ा देता है। अब इसमें हरी मिर्च डालने। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे पोहे में सिर्फ हरी मिर्च का ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आपको जिस हिसाब से पसंद है उस हिसाब से मिर्ची इसमें डालना। मैंने तो कम से कम 4-5 मिर्ची डाली है, क्योंकि तीखापन ज़्यादा पसंद है मुझे। और इसमें एक टमाटर डाल दिया है, जो कि मीडियम साइज़ का था, उसको भी फाइनली चॉप करके धीरे धीरे इसमें डाल दिया है। टमाटर भी ऑप्शनल है, बहुत लोग टमाटर पसंद नहीं करते हैं। हमारे घर में सबको टमाटर डाल के ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए एक टमाटर इसमें डाल दिया है छोटे छोटे पीसेस करके। उसको भी 2-3 मिनट के लिए ही सिर्फ फ्राई करना है। अब इसमें नमक डालना है। नमक हमने जब पोहा वॉश किया था तब भी डाला था, तो उसी हिसाब से इसमें डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी हल्दी डालिए, हल्दी सिर्फ कलर के लिए, कि कलर अच्छा सा आ जाए इसमें। अब इसको कम से कम 2-3 मिनट चलाएंगे, जिससे कि इसमें कच्चापन ना रहे। अब जो भी हमने पोहा वॉश किया था वो सारा इसमें डाल देंगे। पोहा मेन है कि पोहा स्ट्रेनर में ही वॉश करना तो ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको मिक्स करते रहेंगे। इस टाइम पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होगी, मीडियम टू लो होगी, जिससे कि मिक्स करते करते नीचे वो लगे ना, जले ना, इसलिए अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और हम पोहे को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। चाट मसाला डाल के टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप ज़रूर डालिएगा चाट मसाला। अब इसमें हरा धनिया डाल दिया है। अगर नए साल की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से हो तो दिन हमारा अच्छा जाता ही है, तो इसलिए उसमें आप अपनी मनपसंद कोई भी नमकीन डाल सकते हैं। नींबू और मिर्च के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी भी है। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू।